हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक का लोन चाहिए, 4 लाख तक का लोन चाहिए तो आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी आपका और आपको टोटल ब्याज कितना लगने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग यही कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको जब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक का लोन चाहिए होता है तो आपको ये बैंक से नहीं लेना चाहिए। कुछ ट्रस्टेड एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे नावी है, क्रेडिट भी है, काफ़ी एक्स्ट्रा आप लोग की कैसे एप्लीकेशंस है, तो इन एप्लीकेशन से आप लोग लोन ले सकते हैं जो कि आप लोग को इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है। क्योंकि जब आप इमरजेंसी लोन ले रहे होते हैं, जैसे पर्सनल लोन है, एक इमरजेंसी लोन होता है, तो कभी कभी भाई को अर्जेंट, जैसे आज के दिन आज एकदम अर्जेंट से जरूरत है, तो बैंक में जाकर के आप लोग अर्जेंट लोन नहीं ले सकते हैं। अगर आप इन एप्लीकेशंस का यूज करेंगे तो आप इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कर सकते हैं विद इन, आपको विद इन मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने, अपनी सारी चीजें फिल करनी, आपके पास लोन ट्रांसफर हो जाता है बैंक में तुरंत ही, डायरेक्टली आपके पास बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। बट अगर आप इन एप्लीकेशन का लोन लेने जाते हैं तो आपको क्या क्या आईडिया रखने चाहिए उसके ऊपर हम लोग बात कर देते हैं। उसके बाद हम लोग मंथली किस्त भी चेक करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे नावी एप्लीकेशन लेकर के आए, नावी एप्लीकेशन में आप लोग देख सकते हैं, अगर आप 20, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ इनके अबाउट सेक्शन एक बार चेक कर लेना चाहिए। कोई भी प्ले स्टोर में जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने जाएं तो आपको एक बार अपना अबाउट सेक्शन चेक कर लेना चाहिए कि लोन अमाउंट कितना चल रहा है। तो लोन अमाउंट चल रहा है 20 लाख तक का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या चल रहा है, 9% से लेकर के 45%, तो इसमें आपको काफी ज्यादा गैप देखने को मिल रहा है, 9 से 45, ठीक है। तो इसको आप लोग अपना सिविल स्कोर चेक करिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा। तो सिविल स्कोर देखो, चेक कर देखो, इन ऐप में रजिस्टर करने से पहले अपना आप एक बार सिविल स्कोर चेक कर लेना चाहिए, एक बार अपना ईएमआई कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए कि हम लोग की देखो, अब आप सिविल स्कोर चेक कर लेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है। तो सिविल स्कोर अगर आपको नहीं पता कि कैसे आप चेक करेंगे, तो सिविल स्कोर चेक करने की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बात करी जाए कि सिविल स्कोर चेक करने के बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाता है। फिर यहाँ पे बात आता है कि लोन टेन्योर, ये लोग लोन टेन्योर कितने महीने तक का देते हैं, 3 से 32 महीने तक का देते हैं, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए ये लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये काफ़ी मतलब कि अब जो ये नावी एप्लीकेशन है, इसके अबाउट सेक्शन से हट करके इसके अगर रेटिंग के ऊपर जाए तो रेटिंग इसकी देख सकते हैं, 4.1 की रेटिंग रह सकती है और लोगों का रिव्यू भी बहुत अच्छा है। दिस इज अ वन सच ऐप द लेट गेट इंस्टेंट लोन, ईजी पेमेंट, रीपेमेंट विदाउट अ लो प्रोसेसिंग फीस, तो काफी अच्छे लोगों के रिव्यू आए हैं। तो लोगों के रिव्यू एक बार चेक कर लीजिए, उनकी रेटिंग क्या चल रही है जिस ऐप से लोन लेने जा रहे हैं। और जो ये नावी एप्लीकेशन है, ये तो भाई एमएस धोनी अपने क्या कहते हैं इंडिया टीम के पहले के कप्तान रह चुके हैं, ये कैप्टन रह चुके हैं, तो ये काफी अच्छी एप्लीकेशन है। जो आप लोग इससे लोन लेना चाहते हैं तो आसानी से आप लोग लोन ले सकते हैं। बात करी जाए कि अगर आप इसमें अपना मंथली किस्त चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। सिंपल इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर हर एक लोन की ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पर्सनल लोन की ईएमआई कैलकुलेट करना है तो पर्सनल लोन का आपको अमाउंट डाल देना। जैसे ये अब नावी एप्लीकेशन है, ये आपको 20 लाख तक का लोन दे रही है। मान लीजिए कि आपको 2 लाख की लोन की अमाउंट की ज़रूरत है, तो 2 लाख का हम लोग ने यहाँ पर अमाउंट डाला, यहाँ पर हम लोग 2 लाख डाल देते, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 लाख हमने अमाउंट डाल दिया। अब हमने यहाँ पे जब 2 लाख अमाउंट डाला, अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अपना पता नहीं है, तो 9% से उसकी स्टार्टिंग हो रही थी। तो आप लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा, अपना सिविल स्कोर चेक कर लीजिएगा। सिविल स्कोर चेक करने की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे 10%, 10.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक मिनिमम अपने मन से ले लेते हैं। अब लोन टेन्योर वो लोग 72 महीने तक का दे रहे थे, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा समय के लिए दे रहे हैं। तो हम लोग को 6 साल तक का लोन पीरियड देखने को मिल रहा है। तो हम जब 2 लाख का लोन ले रहे हैं तो हम थोड़ा जल्दी से जल्दी चुकाएंगे भी, सोच रहे हैं कि भाई हम लोग ये वाला लोन है कि 9 महीने के अंदर चुका देते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं मंथली किस्त कितनी जाएगी, 23,182 रुपये जाएगी। हम लोग का ब्याज कितना लगेगा, 8,639 रुपये लगेगा। टोटल पेमेंट कितनी जाएगी, 2,08,639 रुपये जाएगी। तो देख सकते हैं कि अगर आप 2 लाख का लोन लेते हैं नावी एप्लीकेशन से, वो भी 10.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 9 महीनों के लिए, तो आप देख सकते हैं आपकी मंथली किस्त कितनी जा रही, 23,000 रुपये। आप और भी कम और भी ज़्यादा 1 साल के लिए ले सकते हैं, तो 1 साल में देख सकते हैं आपकी मंथली किस्त कम हो गई, 17,000 जाने लगी और आपका ब्याज बढ़ गया 8,000 से 11,000 हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने साल में आप लोन चुका दे रहे हैं। लोन देखो, जब इमरजेंसी लोन ले तो आप 1 से 2 महीने के अंदर ही चुकाने की कोशिश किया करिए, वो चाहे जितना बड़ा लोन अमाउंट हो, ठीक है। जल्दी से जल्दी चुका दोगे तो उसमें ब्याज कम लगता है और आपका बेनिफिट भी कम होता है। अगर आपको ये 11,000 अमाउंट ज़्यादा नहीं लग रहे हैं तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। इसी वजह से कहता हूँ कि कोई भी लोन लेने से पहले आप लोग अपना ईएमआई का कैलकुलेशन जरूर कर लिया करिए, तो आपको पता चल जाता है कि किस
किस एप्लीकेशन से हमें लोन लेना अच्छा रहेगा एज अ एलिजिबिलिटी, एज अ सारी चीज़ें हम लोग चेक करने के बाद। तो आपको सबसे पहला देखो, हमने जैसे नावी एप्लीकेशन का एग्जांपल लिया है, तो आप लोग कोई भी एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। जैसे काफ़ी सारी ट्रस्टेड एप्लीकेशन आती हैं जो RBI द्वारा अप्रूव NBFC होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रेटिंग की बात करी जाए, तो रेटिंग की हम लोग ने बात कर ली है, रिव्यू ये लोगों के अच्छे आए हैं वो भी हम लोग देखा। अबाउट सेक्शन पर जाके देखते हैं कि ये लोग कितने लाख तक का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग को पता चल गया 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं 45% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से एज पर आपके सिविल स्कोर पर। लेकिन मिनिमम हाउस होल्ड इनकम आपकी 3 लाख होनी चाहिए। अगर आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो 3 लाख होनी चाहिए, ये इनकी एलिजिबिलिटी है। अब तभी आप लोग इनके इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हाउ टू अप्लाई नावी एप्लीकेशन। तो आपको हर एक के अबाउट सेक्शन में पता चल जाएगा कि कैसे आप लोग लोन अप्लाई करते हैं। इस चीज़ के बारे में भी आपको हर एक एप्लीकेशन में पता चल जाता है, जैसे डाउनलोड द नावी ऐप, इंटर योर डिटेल्स, इंटर योर लोन अमाउंट, कंप्लीट योर KYC एंड योर बैंक अकाउंट, सारी चीज़ें आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद इन्होंने दिखाया है कि लोन अमाउंट ये अप टू 5 करोड़ तक का देते हैं, वो भी होम लोन भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ये नावी एप्लीकेशंस करती हैं। अगर आप इसके अपडेट डेट देखें तो ये 5 अप्रैल को अपडेट हुआ है, अभी फिलहाल ही अपडेट हुआ है 5 अप्रैल 2023 के समय में। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपका लोन फंस गया है, आपने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं, उसके बाद भी अगर आपका लोन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग इनके ईमेल आईडीज, इंश्योरेंस की आईडीज और म्यूचुअल फंड की आईडीज में आप लोग देख सकते हैं। जैसे लोन लिया तो लोन की आईडी है help@navi.com, इसमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं जाकर के। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप कोई भी बैंक से लोन लें, कोई भी ट्रस्टेड एप्लीकेशन से लोन लेने जा रहे होते हैं, ट्रस्टेड एप्लीकेशन से आप लोग लोन क्यों लेने जा रहे होते हैं, क्योंकि आपको जल्दी लोन मिल जाता है, इंस्टेंट एप्लीकेशन, क्योंकि तुरंत के तुरंत आपको लोन मिल जाता है। बैंक एक लंबा पीरियड लेती है एक लोन को पूरी तरह इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में लाने से पहले, आपको एक लंबा समय देती है, 10 से 15 दिन तो चाहिए अगर आपको लोन अप्रूवल करवाना है बैंक से। तो ये जो नावी एप्लीकेशन है ये आपको अर्जेंट लोन दे देती है, आपको इमरजेंसी लोन की जरूरत है, तो ये एप्लीकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आपको सारी चीज़ें पता लगानी चाहिए कि आपको अगर किसी भी बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, तो आसानी से आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा सेफ्टी, देख सकते हैं यहाँ पे डाटा सेफ्टी की भी पूरी सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता चली कि आप अगर कोई दूसरे एप्लीकेशन से लोन लेने जा रहे हैं, तो आप लोग उसका अबाउट सेक्शन, उसकी रेटिंग और लोगों का क्या रिव्यू आया है, ये सारी चेक करने के बाद, अपना सिविल स्कोर चेक करने के बाद क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर लगेगा, उसके बाद आप लोग को मंथली किस्त अपना कैलकुलेट करके देखना है कि मेरी इस महीने मंथली किस्त कितनी जाएगी, अगर हम इतने महीने के लिए लेंगे तो मेरा बेनिफिट है कि इतने महीने के लिए लेंगे तो मेरा बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार चेक कर लेनी होती हैं। आई होप आपको ये चीज़ पता चली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार भाई के चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।